सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अब जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने तुम्हें टॉप 5 लेजेंडरी ब्लेडर्स के बारे में बताया था, एंड जो वो लिस्ट थी टॉप 5 वाली वो बेब्लेड बर्स्ट सर्ज होने के स्टार्टिंग की लिस्ट थी, यानी कि जब बेब्लेड बर्स्ट सर्ज स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे जो लेजेंडरी ब्लेडर्स की रैंकिंग थी उसी हिसाब से वो लिस्ट बनाई गई थी। एंड जो वो लिस्ट थी वो अब बेब्लेड बर्स्ट सर्ज होने के एंडिंग के साथ ही साथ काफ़ी कुछ चेंज हो गई थी, क्योंकि तुम जानते ही होगे बेब्लेड बर्स्ट सर्ज में काफी कुछ हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उसी लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि कौन थे वो टॉप 10 लेजेंडरी ब्लेडर्स जो कि बेब्लेड बर्स्ट सर्ज होने के एंडिंग के साथ साथ ही वो लेजेंडरी ब्लेडर्स की लिस्ट में आ गए थे। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब जो लेजेंडरी ब्लेडर्स की रैंकिंग है वो इसी चीज़ पर बेस रहती है कि किस ब्लेडर ने सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीते हैं, या कहूँ सबसे ज़्यादा बैटल्स जीते हैं। एंड जिस भी ब्लेडर ने सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स एंड सबसे ज़्यादा बैटल्स जीते होंगे वही टॉप 1 पोजिशन पर आता है। तो अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि लेजेंडरी ब्लेडर्स की रैंकिंग किस तरीके से होती है, तो चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 10th पोजिशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में। एंड ये है डेल्टा ज़ाकुरो। अब कई लोग कहेंगे यार डेल्टा यहाँ क्या कर रहा है 10th पोजीशन पे, ये तो बेब्लेड बर्स्ट जीटी का कैरेक्टर है। सो देखो मेरे भाई लोग, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, लेजेंडरी ब्लेडर्स हम तब बनते हैं जब तुम लोगों ने ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीते हो एंड ज़्यादा बैटल्स जीते हो। एंड डेल्टा के साथ भी सेम ही सीन था, उसका बे जब तक वेनम डियाब्लोस नहीं टूटा था उससे पहले उसने अपने वेनम डियाब्लोस के साथ जितने भी बैटल जीते थे उसने सभी के सभी बैटल जीते थे। चाहे तुम किसी भी टूर्नामेंट या उसके किसी भी बैटल पर नज़र डाल लो, वो सभी अपने बैटल्स जीता था। बस वो वही बैटल नहीं जीता जब वो आइगर के साथ बैटल कर रहा होता है, एंड मैं उस बैटल को काउंट भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी तक हमें रिजल्ट भी नहीं मिला था एंड तभी बीच में आर्थर आ गया था, एंड इसलिए मैं उस बैटल को काउंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम उस बैटल से पहले देखोगे तो डेल्टा अभी तक अपना एक भी बैटल नहीं आ रहा था। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डेल्टा ज़ाकुरो 10th पोजिशन पर आता है लेजेंडरी ब्लेडर्स की रैंकिंग्स में। एंड सोचो डेल्टा ज़ाकुरो ने ही अपने के बराबर बैटल्स हारे हैं, तो यही बंदा 10th पोजीशन पे आता है। तो सोचो जो इसके ऊपर ब्लेडर्स रैंक करते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें करी होंगी। तो चलो अब बात कर लेते हैं 9th पोजीशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में। एंड ये ब्लेडर है ग्वेन रेनॉल्ड्स। अब ये जो बंदा है ये इतना ज्यादा लेजिट है कि तुम पूछो ही मत। इस बंदे ने एक ही टूर्नामेंट खेला है एंड उस टूर्नामेंट में भी इस बंदे ने धमाल मचा दिया था। इनफैक्ट डेल्टा एंड डांटे साथ मिलकर इसे हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका बे इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके बे ने दोनों ही ब्लेडर्स के बे ब्लेड्स को बर्स्ट कर दिया था। एंड साथ ही साथ ये बंदा अभी तक अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा है, एंड वो बैटल था जब डांटे डेल्टा के मास्टर डियाब्लोस की जो गाचिंको चिप है वो यूज करता है। एंड वो चिप वो इसलिए यूज करता है क्योंकि जो उसके खुद के इंपीरियल ड्रैगन की गाचिंको चिप थी उसके टीथ काफी ज्यादा वीक थे, इसलिए ही वो मास्टर डियाब्लोस की गाचिंको चिप यूज करता है। एंड वो चिप यूज करने के बावजूद भी डांटे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिग बैंग जेनेसिस को हराने के लिए। एंड आखिरकार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद डांटे फाइनली ग्वेन के बिग बैंग जेनेसिस को हरा देता है, एंड यही वो पहला बैटल बन जाता है जो कि ग्वेन रेनॉल्ड्स हारा था। एंड इसी बात से तुम देख सकते हो कि ग्वेन कितना ज्यादा पावरफुल है, एंड इसलिए ही ये 9th पोजीशन पे रैंक करता है लेजेंडरी ब्लेडर्स की लिस्ट में। तो चलो अब बात कर लेते हैं 8th पोजीशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में। एंड ये ब्लेडर है फी। अब जो ये फी नाम का ब्लेडर है इसके बारे में मुझे तुम्हें एक भी बात बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो ये बंदा कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुका है बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में, एंड ये कितना ज्यादा पावरफुल था, कितने सारे इसने बेज तोड़े हैं, कितने ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एंड चलो अब बात कर लेते हैं 7th प्लेस के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में। एंड ये ब्लेडर है डांटे कोरियू। सो जो डांटे कोरियू है उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में तुम पहले से ही जानते होगे, एंड ये उतना भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नहीं, ये जस्ट एक नॉर्मल मेन कैरेक्टर है। एंड ये इतना ऊपर उन ब्लेडर्स से रैंक इसलिए करता है क्योंकि जो
बाकी ब्लेडर्स हैं जो इसके नीचे रैंक करते हैं वो बस एक ही सीजन में दिखे हैं, जबकि ये बंदा है ये दो सीजन में दिख चुका है। पहले तो जो इसका खुद का सीजन था जो कि था बेब्लेड बर्स्ट जीटी, एंड वहीं जो दूसरा सीजन था वो था बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग। एंड स्पार्किंग में दिखने की वजह से ही इस बंदे ने कई सारे बैटल्स लड़े हैं एंड साथ ही साथ कई टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। एंड ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी है एंड इसलिए इसने कई बैटल्स जीते भी हैं बेब्लेड बर्स्ट सर्ज में, तो इसलिए ही ये सेवेंथ पोजीशन पे रैंक करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ पोजीशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में, एंड ये ब्लेडर है लुई शिरोसागी। तो जो लुई शिरोसागी है वो सीजन 1 एंड सीजन 2 में हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वे में दिखाया गया था, लेकिन बेब्लेड बर्स्ट टर्बो से ही लुई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता गया। मतलब वो ट्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा करता था लेकिन जो उसकी ट्रेनिंग थी वो नई जनरेशन के ब्लेडर्स को हराने के लिए काफ़ी नहीं थी, एंड इसलिए ही जो आगे वाली सीरीज़ है उनमें हमें लुई काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाया गया है। एंड मेरी तो ये थ्योरी है, तुम्हारी क्या थ्योरी है तुम कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से लुई सिक्स्थ पोजीशन पे आता है लेजेंडरी ब्लेडर्स की लिस्ट में। तो चलो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पोजीशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में, एंड ये ब्लेडर है फ्री डेला होया। सो जो फ्री डेला होया है उसके साथ भी ऑलमोस्ट सेम ही सीन हो रखा है जैसा लुई के साथ हुआ था। फ्री भी स्टार्टिंग के सीजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड वो ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा करता था, अभी भी करता है, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है वो लेटेस्ट जनरेशन के जो ब्लेडर्स हैं उन्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। मतलब वो अपने मोस्ट ऑफ बैटल्स तो जीतता ही है लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता कि मतलब पूरा ही टूर्नामेंट जीत गया या ऐसा कुछ, जस्ट वो एक नॉर्मल लेजेंडरी ब्लेडर बन रह जाता है। एंड इन्हीं सभी चीजों की वजह से फ्री डेला हो या फिफ्थ पोजीशन पे रैंक करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं फोर्थ पोजीशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में, एंड इस बंदे के बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता होगा ही, एंड ये बंदा है आइगर अकाबाने। अब आइगर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुम इस बंदे के बारे में पहले से ही जानते होगे, लेकिन मैं कहूंगा कि जो आइगर है वो एक काफी अच्छा लेजेंडरी ब्लेडर है। मतलब ये अपने सभी बैटल्स तो नहीं जीतता लेकिन ये जो इसके बैटल्स है ये उसमें से 100% में से 80% बैटल्स तो जीत ही जाता है, एंड यही सब चीज है इसे एक अच्छा लेजेंडरी ब्लेडर बनाती है, एंड इसी वजह से ये फोर्थ प्लेस पर रैंक करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड प्लेस के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में, एंड ये है शू कोरोनाई। तो अब जो शू कोरोनाई है उसके बारे में भी मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि तुम पहले से इसके बारे में अच्छे से सब कुछ जानते ही होगे। ये एक सीजन को छोड़ के बाकी सभी बेब्लेड बर्स्ट के सीजन में दिख चुका है, एंड जिस भी सीजन में दिखा है इसने ऑलमोस्ट सभी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, एंड वहां पर ये एक अच्छे प्लेस पर रैंक करता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके बैटल्स के बारे में, सो जो इसने अपने 90% बैटल्स किए हैं ये उन सभी बैटल्स को जीता है, एंड जो 10% बैटल्स इसने किए हैं ये उन बैटल्स को हारा है, एंड यही सब चीजें इसे थर्ड पोजीशन का अच्छा लेजेंडरी ब्लेडर बनाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड प्लेस के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में, एंड ये सुन के तुम थोड़ा बहुत शॉक हो सकते हो क्योंकि ये ब्लेडर है लेन वाला हाला। सॉरी अगर मैंने लेन की सरनेम गलत प्रोनाउंसिएट करी हो, लेकिन इसकी सरनेम ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बंदे के बारे में तो ये बंदा काफी ज्यादा लेजिट ब्लेडर है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सभी लेजेंडरी ब्लेडर्स को हरा चुका है। ये फ्री डेला होया को हरा चुका है, लुई शिरोसागी को हरा चुका है, शू कोरोनाई को तो ये दो बार हरा चुका है, एंड बोल्ट आउई को भी ये हरा चुका है, एंड साथ ही साथ आइगर को भी हरा चुका है, एंड इन्हीं सभी ब्लेडर्स को ये सोलो मैच में हरा चुका है, एंड साथ ही साथ असाही ब्रदर्स के बारे में, तो जब एक टीम में हिकारू एंड हायुगा थे वहीं दूसरी तरफ लेन अकेला था, तो इस बंदे ने लिटरली इन दोनों ही ब्लेडर्स के बेब्लेड ही तोड़ दिए थे। तो तुम इसकी एनर्जी एंड इसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो, एंड इन्हीं सभी रीजंस की वजह से ये बंदा सेकंड प्लेस पर रैंक करता है लेजेंडरी ब्लेडर्स की लिस्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर 1 पोजीशन के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में तो उसके बारे में तो तुम्हें पहले ही पता होगा क्योंकि ये बंदा है हमारा वंडर बॉय वोल्ट आओई। सो जो वोल्ट आओई है वो सेकंड प्लेस पर आता लेजेंडरी ब्लेडर्स की लिस्ट में क्योंकि लेन ने जो बेब्लेड बर्स्ट में इतना सारा डिस्ट्रक्शन किया है उसकी वजह से। लेकिन बेब्लेड बर्स्ट सर्ज एंड होने के बाद एंड बेब्लेड बर्स्ट डीबी के शुरू होने से पहले बीच में कहीं पर एक बार
वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जहां पे आइगर वर्सेस वॉल्ट का बैटल हुआ था एंड वॉल्ट ने आइगर को हरा दिया था, जिसकी वजह से आइगर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब खो चुका था एंड वॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। सो इसी वजह से वॉल्ट अब लेन से ऊपर रैंक करता है, क्योंकि वॉल्ट ने लिटरली पूरा एक वर्ल्ड चैंपियन का टूर्नामेंट ही जीत लिया, तो इसलिए ही वॉल्ट लेन से ऊपर रैंक करता है। नहीं तो अगर वॉल्ट ने वो वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती होती तो फिर लेन ही वॉल्ट से ऊपर रैंक करता। एंड बाय द वे, ये जो वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली बात है, इसके बारे में हमें बेबलेट बस डीबी के किसी एपिसोड में मेंशन किया गया था। सो यही थी आज की वीडियो टॉप 10 लेजेंडरी ब्लेडर्स के बारे में। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है या कुछ भी नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ मैंने अपना एक बेबलेट शॉर्ट्स चैनल भी बनाया है जिसे तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें बेबलेट शॉर्ट्स देखना पसंद है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी थॉट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे सभी थॉट्स एंड तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। एंड अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन कोई वीडियो डिजर्व करता होगा तो जरूर मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हें इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।